जी ग्रेड सिक्स आपका न्यू चैप्टर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, तो आप ज़रा क्लास फाइव में चले जाएँ। फाइव में जाने का मतलब है कि फाइव में ना चले जाएँ, ज़रा ये देखें क्लास फाइव में आपने फैक्टर्स एंड मल्टीपल पहले पढ़े थे। फैक्टर्स किसे कहते हैं बेटा, जब आप किसी भी डिजिट का एलसीएम लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डिजिट लिख देता हूँ 12 लिख लेते हैं चले आपकी आसानी के लिए, टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व, टू थ्री ज़ा सिक्स और थ्री वन ज़ा थ्री। जब इसका एलसीएम लेते हैं तो ये जो डिजिट्स आते हैं हमारे पास टू टू थ्री और वन, ये कहलाते हैं फैक्टर्स। किसके फैक्टर्स हैं ये? इस 12 के फैक्टर्स हैं, क्योंकि 12 का एलसीएम लेने के बाद जिन डिजिट्स में ये टूटता है वो कहलाते हैं इसके फैक्टर्स। और अगर हम इन चार डिजिट्स को मल्टीप्लाई करें तो वापस 12 आ जाता है। तो इन डिजिट्स का जो मल्टीपल कहलाता है वो होता है 12। फॉर एग्जांपल मैं देखें इसको अगर ऐसे लिखूं 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 1, तो इन सब को मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 12। तो ये कहलाएगा मल्टीपल ऑफ 12, और ये जो बाकी डिजिट्स हैं मतलब ये जो खुद आपस में खुद हैं ये कहलाते हैं फैक्टर्स ऑफ 12। ठीक है, 12 क्या है? मल्टीपल ऑफ दिस डिजिट्स, और ये डिजिट्स खुद आपस में क्या है? ये हैं फैक्टर्स ऑफ 12। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। फैक्टर्स दो तरह के पढ़े थे आपने, आपको याद भी होगा पिछली क्लास में HCF और LCM। इन्हीं को फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे, इनके इनके जो मेथड्स हैं उन्हीं मेथड्स को और पक्का करेंगे। जो आपको याद होगा फैक्टराइजेशन मेथड था, डिवीजन मेथड था, और इसी तरीके से इनकी वर्ड प्रॉब्लम्स थी, वो सब हम इसी चैप्टर के अंदर दोबारा डिस्कस करेंगे। तो सिर्फ जो याद रखने वाली चीज़ वो यही जो पिछली वाली बात थी आपकी, कि फैक्टर्स किसको कहते हैं और मल्टीपल किसको कहते हैं। ये जो डिजिट्स आते हैं बेटा ये कहलाते हैं फैक्टर्स ऑफ 12, या कोई भी डिजिट अगर मौजूद हो उसके फैक्टर्स, और अगर इन्हीं को मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो वो कहला ये जो बड़ा डिजिट है ये कहलाएगा उनका मल्टीपल। ठीक है।